दोस्तों मिर्च का जब वनस्पतिक अवस्था आ जाता है तो उस समय किसानों को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है वो होता है डाइबैक। डाइबैक एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है और जो कि ये मिर्च और जो शिमला मिर्च होता है इस वाली फसल में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, यानी डाइबैक के बारे में। डाइबैक एक्चुअली क्या होता है, डाइबैक का लक्षण क्या होता है, यानी डाइबैक को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें डाइबैक बीमारी लगा है, और उसके अलावा डाइबैक को हम लोग फसल में कैसे ना लगने दें, और लगने के बाद भी अगर हम लोग कौन सी दवा को छिड़काव करेंगे ताकि एक बार में वो कंट्रोल हो जाए। आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में एकदम डाइबैक बीमारी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइबैक बीमारी क्या होता है। डाइबैक बीमारी एक फंगल जनित बीमारी है जो कि ये मिर्च और शिमला मिर्च की फसल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये एक खतरनाक बीमारी है। इसको कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप लोग सटीक से दवा इसके ऊपर छिड़काव नहीं करते हैं। तो इसका लक्षण की अगर बात किया जाए तो डाइबैक बीमारी को पहचानने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो होता है डाइबैक। आप लोगों को तो नाम से ही पता चल गया होगा कि डाइबैक, डाई मतलब मरना और बैक मतलब जो पीछे होता है उसको बोलते हैं बैक। तो डाइबैक मतलब जैसे कि पीछे से आप लोगों को जो मरते हुए आता है, और इसी कारण से इसको डाइबैक बीमारी बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस वाले मिर्च के फसल में आप लोगों को डाइबैक बीमारी का प्रकोप हो चुका है, और ये जो बीमारी है ये आप लोगों को इसी स्टेज पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है जब आप लोगों का फ्लावरिंग स्टेज होने के बाद लगभग एक से दो बार हार्वेस्टिंग करेंगे, और उस सिचुएशन में आप लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप लोगों का मिर्च का फसल आप लोग बार बार हार्वेस्टिंग लेते रहते हैं उसके बाद लास्ट में आप लोगों को अगर डाइबैक बीमारी का प्रकोप होता है तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, उसको तुरंत कंट्रोल किया जाता है। तो उसके लिए आप लोगों को आज हम इस वीडियो में बहुत ही शानदार दवा बताएंगे, और जिसको आप लोग एक दवा को छिड़काव करेंगे तो तुरंत वो एक बार में स्प्रे करने से ही कंट्रोल हो जाएगा। आप दोस्तों बात कर लेते हैं मिर्च के फसल में डाइबैक बीमारी कब और कैसे फैलता है। तो सबसे पहले मिर्च का जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है, यानी जब वनस्पति अवस्था आ जाता है, तो उस सिचुएशन पे आप लोगों को डाइबैक बीमारी का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जब डाइबैक बीमारी उसी समय पर क्यों देखने को मिलता है, तो मिर्च जब लगाते हैं तो उसके बाद जब बारिश लगातार होते रहता है, और उसके बाद जब कड़क धूप पड़ता है, तो उस सिचुएशन पे फंगस का अटैक होता है, और फंगस के अटैक होने के कारण आप लोगों को डाइबैक बीमारी का प्रकोप सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मिर्च के फसल में डाइबैक बीमारी को कैसे हम लोग ना लगने दें, यानी प्रिवेंटिव में हम लोग एडवांस में कौन कौन सी दवा को छिड़काव करेंगे ताकि मिर्च के फसल में डाइबैक बीमारी का प्रकोप ना हो। तो सबसे पहले जो बेस्ट दवा आती है प्रिवेंटिव के लिए वो होता है ताकत, जो कि टाटा रिलीज कंपनी का आता है। ताकत एक बहुत ही अच्छा दवा होती है जो कि डाइबैक को ये प्रिवेंटिव में लगने नहीं देता है। और उसके अलावा अगर आप लोग वो बाज़ार में ताकत नहीं मिलता है तो आप लोग इंडोफिल कंपनी का स्प्रिंट को भी ले सकते हैं। स्प्रिंट में आप लोगों को मेनकोजेब और कार्बेंडाजाइम का जो प्रतिशत होता है वो ज़्यादा प्रतिशत में मिलता है, और इसीलिए स्प्रिंट आप लोगों को बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देता है। और उसके अलावा अगर आप लोग शामिर फंगिसाइड को लेते हैं आदामा कंपनी का, उसमें भी आप लोगों को डाइबैक को आसानी से लगने नहीं देता है, जिस कारण से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप लोगों का फसल में ये सब दवा को छिड़काव करने के बाद भी अगर आप लोगों का प्रकोप हो गया डाइबैक का, तो तब आप लोग कौन कौन सी दवा को छिड़काव करेंगे और आसानी से वो उसको कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए आप लोगों को बाज़ार में नेटिवो नाम पर मिल जाएगा। नेटिवो एक बहुत ही अच्छा दवा होती है जो कि आप लोगों को डाइबैक को एक बार स्प्रे करने से कंट्रोल कर लेता है। नेटिवो में आप लोगों को टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लोक्सट्रोबिन का कॉम्बिनेशन मिलता है, और इसको एक बार स्प्रे करने से काफ़ी शानदार तरीके से डाइबैक को कंट्रोल कर लेता है। और उसके अलावा अगर आप लोगों को नेटिवो बाज़ार में नहीं मिलता है तो आप लोग टाटा रिलीज कंपनी का आयन को भी ले सकते हैं। आयन भी एक काफ़ी अच्छा दवा आती है जिसमें आप लोगों को क्रियोक्सिन मिथाइल और उसके साथ साथ हेक्साकोनाजोल का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसको भी अगर आप लोग छिड़काव कर देते हैं तो डाइबैक को ये आसानी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। और ये भी दवा अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है बाज़ार में, तो आप लोगों को एक और एक बेस्ट दवा आती है जो कि आदामा कंपनी का जामिर नाम पे मिल जाएगा। जामिर एक बहुत ही अच्छा दवा आती है जो कि डाइबैक के ऊपर ये स्पेशलिस्ट माना जाता है। डाइबैक को ये शानदार तरीके से कंट्रोल कर लेता है। 2 ml पर लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करने पर काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। और ये जो 3 दवा हमने बताया इसको अगर आप लोग सही से सटीक से स्प्रे करते हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा डाइबैक बीमारी के ऊपर। तो ये था दोस्तों मिर्च के फसल में डाइबैक बीमारी के बारे में पूरी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं।